गट्टू चिंकी की क्रिसमस क्रेव। क्रिसमस का त्योहार लाता है अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ, गॉड की ब्लेसिंग्स और सेंटा के प्यारे प्यारे गिफ्ट्स। क्रिसमस ट्री और लाइट से पूरे घर को सजाना, यमी केक्स और कुकीज खाना, पूरी फैमिली का एक साथ गॉड से प्रे करना और क्रिसमस सेलिब्रेट करना घर की रौनक में चार चांद लगा देता है। गट्टू और चिंकी भी काफी एक्साइटेड थे क्योंकि दो दिन बाद क्रिसमस आने वाला था। अरे गट्टू, तुमने इस बार सेंटा क्लॉज से क्या गिफ्ट मांगने का सोचा है? मैं सोच रहा हूँ उनसे एक गिटार मांग लूं। मैंने राजू के पास एक गिटार देखा था और उसे बजाने में मुझे बहुत मजा आया, लेकिन अभी तो बिना गिटार के मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाता। शाम में गट्टू और उसके फ्रेंड्स अपने सोसाइटी गार्डन में खेल रहे थे, तभी वहाँ राजू आता है और एक बेंच पे बैठ के गिटार बजाने लगता है। गट्टू और उसके फ्रेंड्स भी खेलना छोड़ के राजू के पास आ जाते हैं। राजू काफी अच्छा गिटार बजा रहा था और ये सुनकर वहाँ से गुजर रहे एक ओल्ड एज अंकल भी बेंच के पास रुक जाते हैं। अरे वाह राजू, तुम तो काफी अच्छा गिटार बजा लेते हो। लेकिन इसके आगे के नोट्स मुझसे नहीं बज रहे। राजू उस सॉन्ग को आगे बजा नहीं पा रहा था क्योंकि उसे नोट्स नहीं आ रहे थे। उसने एक दो बार फिर से ट्राई किया पर नहीं हुआ। तभी उस अंकल ने बोला, लाओ एक बार मैं ट्राई करूं। आपको गिटार बजाना आता है? लीजिए ट्राई कीजिए। अंकल ने एक दो बार गिटार को स्ट्रम किया और फिर एकदम स्मूथली सारे नोट्स बजा दिए। ये देखकर सभी एकदम सरप्राइज्ड हो गए। अरे वाह अंकल, आप तो बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं, पर हमने आपको पहले कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ बेटा, मैं लास्ट वीक ही यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ। मेरा नाम फ्रांसिस डिकोस्टा है। मैं कभी कभी आपके यहाँ आ सकता हूँ गिटार सीखने? जरूर आना बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं फ्लैट नंबर 404 में रहता हूँ। ये सुनकर गट्टू काफी खुश हो जाता है। रात में डिनर टेबल पर गट्टू ने पापा और मम्मी को नए पड़ोसी अंकल के बारे में बताया। जब मम्मी ने ये सुना कि उनका नाम फ्रांसिस डिकोस्टा है तो उन्होंने बोला, कहीं वो फ्लैट नंबर 404 में तो नहीं रहते? हाँ मम्मी, पर आपको कैसे पता? क्योंकि उनकी वाइफ जूली मुझे सुबह शॉप पर मिली थी। उनका एक बेटा भी है जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और कनाडा में सेटल्ड है। अरे वाह, कनाडा में? हाँ, लेकिन जूली थोड़ा सैड थी क्योंकि इस साल वो क्रिसमस पे इंडिया नहीं आ पाएगा। अगले दिन गट्टू और चिंकी ने सोचा कि नए पड़ोसी अंकल और आंटी से मिलने उनके घर जाते हैं। गट्टू को वैसे भी फ्रांसिस अंकल से गिटार के बारे में काफी कुछ सीखने की इच्छा थी। फ्रांसिस और जूली डिकोस्टा के फ्लैट पहुँच के गट्टू ने उनका डोरबेल बजाया। दरवाजा फ्रांसिस अंकल ने खोला। अरे गट्टू। नमस्ते अंकल। नमस्ते अंकल। आओ आओ बेटा, अंदर आ जाओ। गट्टू और चिंकी को देखकर फ्रांसिस और जूली काफी खुश हो जाते हैं। जूली आंटी बच्चों के लिए ऑरेंज जूस और कुकीज लाती है। वहीं फ्रांसिस अंकल गट्टू को गिटार पकड़ने और बेसिक स्ट्रमिंग के टेक्निक्स बताने लगते हैं। चिंकी जूली आंटी से बातें करने लगती है और अपने स्कूल और फ्रेंड्स के बारे में उन्हें बताती है। बच्चों से ये सब बातें करते हुए फ्रांसिस और जूली आंटी बहुत खुश हो जाते हैं। तभी चिंकी की नजर एक फोटो फ्रेम पर पड़ती है। उसमें फ्रांसिस, जूली और उनका बेटा क्रिसमस मना रहे थे। ये फोटो तो बहुत सुंदर है आंटी। ये हमारा बेटा रॉबिन है और ये फोटो 4 साल पहले की है। उस वक्त रॉबिन हमारे साथ ही रहता था और हम सब साथ में क्रिसमस पर बहुत एंजॉय करते थे। गट्टू और फ्रांसिस भी अब जूली और चिंकी के पास आ जाते हैं। हाँ ये फोटो तो बहुत अच्छी लग रही है। फ्रांसिस अंकल ने तो सेंटा क्लॉज का ड्रेस पहना है। हाँ बेटा, उस वक्त क्रिसमस पे अलग ही रौनक रहती थी। फोटो में ये जो क्रिसमस क्रिब नजर आ रहा है ना, वो रॉबिन ने खुद बनाया था। रॉबिन हर साल क्रिसमस पे हमारे साथ होता था, पर अब वो कनाडा में सेटल्ड है और इस साल घर नहीं आ पाएगा। अपने बेटे रॉबिन को याद करते हुए फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी सैड हो जाते हैं। गट्टू और चिंकी को ये देखकर बुरा लगता है। तभी गट्टू कहता है, आप दोनों प्लीज सैड मत फील करिए, इस बार क्रिसमस हम साथ में मनाएंगे। हाँ आंटी, मैं भी अपने फ्रेंड्स को लेकर आपके पास आऊंगी और क्रिसमस साथ में सेलिब्रेट करेंगे। उसके बाद गट्टू और चिंकी वहाँ से वापस अपने घर लौट आते हैं क्योंकि उन्हें होमवर्क भी करना था।
रात में स्टडी करते हुए गट्टू के मन में एक प्लान आता है। चिंकी, मेरे मन में एक आइडिया आया है। बताओ ना गट्टू। क्यों ना इस बार हम दोनों क्रिसमस क्रिप बनाकर फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी को गिफ्ट करें। ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। अगले दिन गट्टू मार्केट जाकर क्रिसमस क्रिप बनाने की सारी चीजें ले आता है। कार्डबोर्ड, मॉडलिंग क्ले, कलर्ड पेपर्स, प्लास्टिक क्लिप्स, स्ट्रो और ऐसी बहुत सारी आर्ट वर्क की चीजें। चिंकी ने इंटरनेट से क्रिसमस क्रिप के बहुत सारे मॉडल्स के डिजाइन निकाल रखे थे। जब ड्राइंग रूम में उन दोनों ने काम करना शुरू किया तो मम्मी भी सरप्राइज्ड हो गई। अरे बच्चों, ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? हम दोनों क्रिसमस क्रिप बना रहे हैं फ्रांसिस अंकल और जूली आंटी के लिए। वो दोनों कल क्रिसमस की बातें करते हुए थोड़ा सैड हो गए थे, तो हमने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा करे कि क्रिसमस स्पेशल हो जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है गट्टू चिंकी। चिंकी ने मॉडलिंग क्ले से बहुत ही प्यारे इन्फेंट जीसस, मदर मैरी और जोसेफ की मूर्तियां बनाई। गट्टू ने बहुत सारे शेफर्ड्स भी बनाए और कार्डबोर्ड से छोटे छोटे हर्ट्स बनाए। फिर उन हर्ट्स के आसपास स्ट्रो और ग्रीन पेपर कटआउट से ट्रीज बनाए। गट्टू ने बड़े साइज के स्टोन्स और सैंड से माउंटेन और लैंडस्केप भी तैयार कर दिया। क्रिसमस क्रेप बहुत ही सुंदर बना था। शाम में जब पापा ऑफिस से घर आए तो वो भी ये देखकर बहुत खुश और प्राउड फील करते हैं। गट्टू और चिंकी के आर्ट वर्क से ज्यादा उन्हें इस बात की खुशी हो रही थी कि दोनों बच्चों में पड़ोस के अंकल और आंटी के लिए इतना केयर और कंसर्न था। क्रिसमस की शाम गट्टू और चिंकी क्रिसमस क्रिप लेकर फ्रांसिस अंकल के यहाँ जाते हैं। डोरबेल बजाने से डोर जूली आंटी ने खोला और दोनों बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। आओ आओ गट्टू चिंकी। अरे ये क्या है? मैरी क्रिसमस आंटी। मैरी क्रिसमस आंटी। ये क्रिसमस क्रिप हम दोनों ने आपके लिए बनाया है। क्रिसमस क्रिप देखकर जूली आंटी की खुशी का ठिकाना ना रहा। उन्होंने क्रिसमस क्रिप को क्रिसमस ट्री के पास रखा, जिसे उन्होंने बहुत अच्छे से सजाया था। बेल्स और लाइट से सजे हुए क्रिसमस ट्री के पास क्रिसमस क्रिप और भी ज्यादा सुंदर लग रहा था। तभी हो हो करते हुए बेल बजाते हुए सेंटा क्लॉज आते हैं। उनको देखकर गट्टू और चिंकी एकदम से सरप्राइज्ड हो जाते हैं। सेंटा क्लॉज ने अपने बड़े से बैग के अंदर से एक गिटार निकाल के गट्टू को दे दिया। अरे सेंटा, आपको कैसे पता चला कि मुझे गिटार चाहिए? चिंकी गौर से सेंटा क्लॉज को देख रही थी। वो कहती है, अरे गट्टू, ये तो फ्रांसिस अंकल है। सेंटा क्लॉज के रेड ड्रेस में और बड़ी सी बियर्ड के साथ फ्रांसिस अंकल ही थे। उन्होंने चिंकी को भी गिफ्ट दी, जिससे चिंकी बहुत खुश हो गई। तभी डोरबेल बजती है और जूली आंटी ने दरवाजा खोला। गट्टू और चिंकी के मम्मी पापा भी आ गए थे क्रिसमस सेलिब्रेट करने। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। मैरी क्रिसमस। आइए आइए, अंदर आइए। पूरे घर में एकदम से रौनक और चहल पहल हो गई थी। सभी लोग साथ मिलकर मदर मैरी और जीसस की फोटो के आसपास जाते हैं, जहां पर होली क्रॉस भी लगा था। सबने वहां पर कैंडल्स जलाए और साथ मिलकर प्रे किया। फिर क्रिसमस ट्री के आसपास खड़े होकर फ्रांसिस अंकल ने गिटार बजाया और क्रिसमस कैरल सुनाए। जूली आंटी ने क्रिसमस पर बेक किया हुआ स्पेशल केक सबको दिया। सबको वो केक बहुत पसंद आया। गट्टू और चिंकी के कारण इस बार हमारी क्रिसमस सच में स्पेशल हो गई, वरना रॉबिन के नहीं आने से हमें एकदम सुना सुना सा लग रहा था। ये सुनकर मम्मी और पापा भी काफी प्राउड फील करते हैं। सबने साथ मिलकर एक बार फिर से बोला मैरी क्रिसमस। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।